आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, निर्णायक मंडल एवं मेरे सभी प्यारे दोस्तों, सुप्रभात। मैं श्रांति सोनी, कक्षा 5वीं की छात्रा, आज आपके समक्ष एक काव्य पाठ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है हमारी धरती। जैसा आप सभी को ज्ञात है, हमारी प्यारी धरती पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अंधाधुंध हो रहा है, जिसके फलस्वरूप इस धरती पर अनेकों प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल रही हैं, जिसमें से कोरोना विषाणु भी एक है। यदि हम समय रहते नहीं चेते तो अवश्य ही इस धरती पर जीवन का अस्तित्व संकट में आ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक दिन मिला मुझे एक कौवा, बोला जीवन जीना बन गया हुआ, जंगल अब नहीं रह गए बाकी, सब तरफ है मिट्टी खाकी, सीमेंट के देवदार खड़े हैं, ईंटों के चीनार खड़े हैं, मदिरा बनकर बहता पानी, धरती माँ की खत्म कहानी, मनुष्य ने यह कार्य किया है, अपना खुद से नाश किया है, बनकर रावण मनुष्य ने हरी धरा की सुंदरता, जिसे लोहा लेने को कोई राम नहीं मिलता, ऊंची चिमनी रोकती धमनी, सांस के साथ निकलता धुआं, जिंदगी बन गई मौत का कुआं, खो गए जंगल गुम हो गए से, चारों तरफ को रोके थे, छोटे होते जाते खेत, बढ़ती जाती सूखी रेत, जंगल को शहर बनाकर, नदियों पर यूं बांध बनाकर, बगिया को शमशान बनाया, जीवन तुझे जीना न आया, मनुष्य तेरे ऊपर उधार बड़ा है, धरती माँ का कर्ज पड़ा है, जीवन भर तू उतार न पाए, दिनों दिन बढ़ता ही जाए, प्रति माँ कुछ पेड़ लगा दो, अब तो कुछ कर लो, प्रति माँ कुछ पेड़ लगा दो, अपना फर्ज कुछ यूं चुका दो, भावी पीढ़ी को बतला दो कि हमने अपना फर्ज निभाया, जो कुछ उल्टा था सुलझाया, जीवन अगर बचाना है तो पेड़ अनेक लगाना है, अधिक लगेंगे पेड़ तो धरती भी बच जाएगी, रेगिस्तान न और बनेंगे, हरियाली छा जाएगी, हरियाली छा जाएगी तो धरती माँ बच जाएगी, धरती की सुरक्षा हम सबकी परीक्षा। धन्यवाद।